श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा 9 दिन जरूर करें। इस कथा का पाठ सभी 9 देवियों की मिलेगी कृपा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीथत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुश्ती के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, ये सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी।
एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी ओम जो इच्छा हो सो मानगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर व ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मान सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देखकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो, कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों
गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर दवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। श्री दुर्गा जी।